हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हो, वेरना की फ्लूडिक है। तो आज मैं इसमें आपको एयरबैग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि एयरबैग सिस्टम काम कैसे करता है। जैसा कि आप, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि एयरबैग का सेटअप कैसा दिखता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 kg, 1 से 1.5 kg का वजन है इसमें। ये रहता है एयरबैग। तो ये एयरबैग फूटता कब है और कैसे फूटता है? तो सबसे पहले आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 70 के ऊपर रहनी चाहिए, 70 किलोमीटर पर आवर के ऊपर रहनी चाहिए। जब आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर के ऊपर रहती है, तो आपकी गाड़ी अगर कहीं कोई चीज़ से जाके टकरा जाती है अचानक से, तो आगे रेडिएटर सपोर्टर के बाजू में एक साइड एक सेंसर दिया हुआ रहता है, जिसे क्रैश सेंसर कहा जाता है। तो वो क्रैश सेंसर जब ठुक जाती है आपकी गाड़ी, तो वो क्रैश सेंसर सिग्नल दे देता है एयरबैग मॉड्यूल को। एयरबैग मॉड्यूल को सिग्नल दे देता है जैसे ही, तो एयरबैग मॉड्यूल क्या करता है, सिग्नल देता है 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ भेजता है ये सॉकेट में। ये सॉकेट कनेक्टेड रहता है किससे, इससे रहता है, यहाँ पे रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है वो चीजें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो फिगर में आप देख लीजिए, उस चीज को आपको समझ में आ जाएगा कौन सी गैस दी हुई रहती है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एयरबैग का जो सेटअप रहता है किस तरीके से दिखता है। इसमें सोडियम अजाइड गैस रहता है और पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, जो कि रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस उत्पन्न। तो आशा करता हूँ आपको गैस समझ में आ गया होगा। सोडियम अजाइड गैस रहता है। तो सोडियम अजाइड गैस के साथ जब ये 12 वोल्ट सप्लाई आता है यहाँ, तो इसके अंदर रहती है। तो सोडियम अजाइड गैस कब बनता है, जब ये 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ देता है इसमें, तो इसके अंदर रहती है क्वाइल। क्वाइल क्या काम करता है, टर्न्स, यानी क्वाइल इसमें जब 12 वोल्ट सप्लाई आता है तो यह हीट जनरेट करता है। सोडियम अजाइड गैस के साथ जब हीट रिएक्शन किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब नाइट्रोजन गैस यह उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन गैस में इतना फोर्स रहता है कि ये जो लॉक दिख रहे हैं ना, इस लॉक को तोड़ के ये आगे अपने को होने वाली दुर्घटना से बचा लेता है। तो ये कब काम करता है, तो फिर एक सवाल ये होता है कि ये पूरा सेटअप आकर के अपने ऊपर तो नहीं गिरेगा? नहीं, ये क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसको स्क्रू से फिक्स किया हुआ रहता है। जैसा कि देख पा रहे, एक इस साइड और एक इस साइड दिया हुआ रहता है, और ये लोखंड की पट्टी जो है इसमें यह फिक्स कर दिया जाता है। बाकी जो फूटता है, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन आकर के अब आगे फूट जाता है और गुब्बारे जैसा बन जाता है, और होने वाली दुर्घटना से अपन बच जाते हैं। तो ये रहता है इसका फंक्शन और फ्यूचर इसका ये दिया है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।